बहुत समय पहले किसी गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। सिंड्रेला के पिता एक दर्जी थे, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से उन्हें आँखों से कम दिखाई देता था, जिस वजह से सिलाई करते समय उनसे गलतियां हो जाती थी। फिर एक दिन कामिनी नाम की एक औरत गुस्सा होकर सिंड्रेला के घर पहुँच जाती है। क्यों रे बुढ़े, तूने ये कैसा ब्लाउज सिलाया है? तूने मेरी ब्लाउज का सत्यानाश कर दिया, अब बोल इसकी भरपाई कौन करेगा? ओ, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक काम करो, तुम मुझसे अपनी ब्लाउज के पैसे ले जाओ। पैसे तो मैं ले लूंगी, लेकिन साथ ही तेरी पिटाई भी करूंगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। इतना कह कर कामिनी सिंड्रेला के पिता को मारने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी वहाँ सिंड्रेला आ जाती है। ये सब क्या है कामिनी आंटी, आप मेरे पिताजी को क्यों मार रही हो? तेरे बाप ने मेरी ब्लाउज खराब कर दी, इसीलिए मैं उसकी पिटाई कर रही हूँ। मेरे पिताजी से गलती हो गई, आप उन्हें माफ कर दीजिए। उसके बाद सिंड्रेला कामिनी को उसकी ब्लाउज की कीमत दे देती है। फिर एक दिन अचानक सिंड्रेला के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी आपको तेज बुखार है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। फिर सिंड्रेला सड़क पर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई ऑटो नहीं मिलता। तभी सिंड्रेला को याद आता है कि कामिनी ने कुछ दिनों पहले ही नई कार खरीदी है। सिंड्रेला मदद के लिए कामिनी के घर पहुंच जाती है। कामिनी आंटी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा, दया करके आप अपनी कार में मेरे पिताजी को अस्पताल ले चलिए। देख मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं तेरे बीमार बाप को अपनी नई कार में नहीं बैठाने वाली। वैसे भी तेरे बाप के मरने के बाद तुझे आराम मिलेगा, मरने दे उस बूढ़े को, कोई जरूरत नहीं है उसे अस्पताल ले जाने की। कामिनी की जली कटी बातें सुनकर सिंड्रेला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो किसी तरह अपने पिता को कंधे पर उठाकर अस्पताल की ओर ले जाने लगती है, लेकिन एक नदी के किनारे पहुंचते ही सिंड्रेला का पैर फिसल जाता है और उसके पिताजी नदी में गिर जाते हैं। सिंड्रेला को तैरना नहीं आता था, फिर भी वो हिम्मत करके नदी में कूद जाती है। देखते ही देखते दोनों बाप बेटी पानी में डूबने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। तभी दो चिड़िया उड़ते हुए सिंड्रेला के पास आ जाती हैं। फिर वो दोनों चिड़िया अपने पंजों में सिंड्रेला और उसके पिताजी को पकड़कर उन्हें नदी से बाहर निकाल लेती हैं। हमारी जान बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगले ही पल वो दोनों चिड़िया दो सुंदर लड़कियों के रूप में बदल जाती हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है, हम दोनों बहनें जादूगरनिया हैं, चिड़िया बनकर हम सैर करने निकली थी। देखो तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, चलो इन्हें हमारी जादूगरों के अस्पताल ले चलते हैं। फिर वो दोनों बहनें सिंड्रेला के पिता को जादूगरों के अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवा देती हैं। जादुई दवाइयों के चलते सिंड्रेला के पिता कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिंड्रेला के घर के हालत जानकर दोनों बहनों को बहुत दुख होता है। वो दोनों सिंड्रेला को एक जादुई लिपस्टिक दे देती हैं। उस जादुई लिपस्टिक को लगाते ही सिंड्रेला के सर पर सोने के बाल प्रकट हो जाते हैं। अब ये जादुई बाल हमेशा तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम इनसे जैसा चाहो वो काम करवा सकती हो। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। फिर अगले दिन, सुनो जादुई बाल, हमारे घर की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर अगले ही पल जादुई बाल से ढेर सारे 2000 के नोट नीचे गिरने लगते हैं। ये देख सिंड्रेला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस दिन से सिंड्रेला को कभी पैसों की कमी नहीं होती। वो नया घर बनाने के साथ साथ ऐशो आराम की सारी चीजें खरीद लेती है। इस सिंड्रेला की बच्ची को जादुई बाल कहाँ से मिल गए? जादुई बाल की शक्ति से ये अमीर बनती जा रही है, लेकिन आज रात ही मैं इसके सारे बाल काटकर इसे गज्जी बना दूंगी। इस तरह अपनी जलन के चलते कामिनी रात होते ही सिंड्रेला के घर उसके बालों को काटने पहुंच जाती है।
सिंड्रेला उस समय गहरी नींद में सो रही थी। कामिनी कैंची से सिंड्रेला के बालों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बालों के अंदर से तेज रोशनी बाहर निकलकर कामिनी को एक चूहिया के रूप में बदल देती है। फिर अगले ही पल बालों के अंदर से एक बिल्ली बाहर निकलकर चूहिया बनी कामिनी के पीछे दौड़ने लगती है। ये देख कामिनी घबराकर अपने घर भाग जाती है। उस दिन के बाद से कामिनी चूहिया बनकर अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह उस दुष्ट कामिनी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला अपने पिता के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। इसी गांव में विमला नाम की एक लालची लड़की रहती थी। फिर कुछ समय बाद शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके विमला की छोटी बहन कमला गांव में आती है। अरे वाह दीदी, दिन ब दिन हमारे गांव की तरक्की होती जा रही है। हमारे गांव की सुंदरता देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ ये बात तो है, हमारा गांव है ही इतना खूबसूरत। दीदी मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हमारे गांव में एक भी होटल नहीं है। अगर हम अपने गांव में होटल खोल लें तो यहाँ आने वाले लोगों को अपने होटल में ठहरा कर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। शहर में मेरी एक अमीर सहेली रहती है, वो हमारे होटल में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन होटल खोलने के लिए हमें बहुत बड़ी जमीन चाहिए, हमारे पास तो जमीन नहीं है। अरे दीदी हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं, किसी एक गरीब की जमीन हड़प लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से होटल खोल लेंगे। फिर वो दोनों बहनें होटल खोलने के लिए गाँव में घूम कर जमीन की तलाश करने लगती है। तभी उनकी नजर सुनीता नाम की औरत पर पड़ती है। वो अपने खेत में काम कर रही थी। वो देखो दीदी, वो खेत नदी के किनारे है। अगर हम वहाँ होटल खोलेंगे तो लोग हमारे होटल में ठहरने के लिए मुंह मांगे पैसे देंगे। लेकिन वो जमीन तो सुनीता की है, जमीन हथियाने के लिए हमें सुनीता की जान लेनी होगी, तभी हमें जमीन मिलेगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही सुनीता को मारने की सारी तैयारी कर देती हूँ। उसके बाद दोनों बहनें पास के गांव में रहने वाले एक सपेरे से मिलती हैं। हमें एक ऐसा जहरीला सांप दो जिसके डसने से इंसान की पल भर में मौत हो जाए। हाँ, मेरे पास एक जहरीला सांप है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मैं पूरे 50,000 रुपए लूंगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। चिंता क्यों करती हो दीदी, होटल खोलने के बाद हमारे लाखों रुपए की कमाई होगी, उसके सामने ये 50,000 रुपए तो बहुत कम है। चलो इसे पैसे देकर सांप खरीद लेते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें सपेरे को पैसे देकर उससे वो जहरीला सांप खरीद लेते हैं। फिर उसी रात दोनों चुपके से सुनीता के घर के पास पहुंच जाती हैं। उस समय सुनीता अपनी बेटी के साथ गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर के बाद सुनीता को प्यास लगती है और वो पानी पीने रसोई घर में चली जाती है। तभी मौका देखकर दोनों बहनें खिड़की से वो सांप सुनीता के हाथ के ऊपर छोड़ देते हैं। देखते ही देखते सांप सुनीता के हाथों को काटना शुरू कर देता है। सांप के काटने पर पल भर में ही सुनीता दम तोड़ देती है। सुनीता की हत्या करके दोनों बहनें बहुत खुश हो गई थी। दीदी हमने सुनीता को रास्ते से हटा दिया, अब उसके खेतों में कब्जा करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो आज ही उसके खेतों में कब्जा कर लेते हैं। फिर दोनों बहनें सुनीता के खेत में पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां सुनीता की बेटी कोमल को काम करते देख दोनों बहनों को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या, सुनीता की बेटी यहाँ पर काम कर रही है, इसका क्या करें? लगता है इसे भी इसकी माँ के पास पहुँचाना पड़ेगा। फिर उसी रात जब कोमल गहरी नींद में सो रही थी, तभी दोनों बहनें उसके घर में सांप छोड़ देती हैं। सांप कोमल को काट कर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो दोनों बहनें कोमल की लाश को उठाकर पास की नदी में फेंक देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोमल की लाश पानी में बैठे हुए परी देश के जंगल में पहुंच जाती है।
उस जंगल में 7 सिरों वाली एक शक्तिशाली परी रहती थी। कोमल की लाश देखकर परी फौरन उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। लगता है इस बेचारी लड़की को किसी जहरीले सांप ने काटा है। उसके बाद परी कोमल की लाश को अपने घर में मौजूद जादुई बाथ टब में छोड़ देती है। देखते ही देखते बाथ टब के वो जादुई पानी कोमल के शरीर का सारा जहर खींच लेता है और थोड़ी ही देर में कोमल फिर से जीवित हो जाती है। दूसरी तरफ परी अपनी जादुई शक्ति से कोमल के बारे में सब कुछ जान लेती है। फिर परी कोमल को लेकर सीधा कमला और विमला के घर पहुंच जाती है। कोमल और 7 सिरों वाली परी को देख दोनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं तुम दोनों को तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा देने आई हूँ, अब तुम दोनों नहीं बचोगी। ये सुनकर दोनों बहनें वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उस परी के सातों मुंह के अंदर से ढेर सारे तीर बाहर निकलकर दोनों बहनों पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों बहनें बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचने वाले, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद परी अपने सातों मुंह से आग का गोला उन दोनों के ऊपर फेंकने लगती है। दोनों के घर जलना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पूरे घर के साथ वो दोनों बहनें भी जलकर राख हो जाती हैं। उसके बाद परी कोमल को अपने घर ले जाती है और उसे अपनी बेटी बनाकर उसकी परवरिश करने लगती है। किसी गांव में शालू नाम की एक भिखारन रहती थी। शालू दिन भर लोगों से भीख मांगा करती थी। फिर एक दिन शालू फुटपाथ पर बैठकर भीख में मिले हुए सारे पैसे गिन रही थी। अरे वाह, कुछ ही महीनों में मैंने 20,000 रुपए जमा कर लिए। अब मैं स्कूल में अपना एडमिशन करवा सकती हूँ। उसके बाद शालू सारे पैसे एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर छुपा देती है। लेकिन दूसरी तरफ निर्मला नाम की एक लालची औरत शालू को ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर शालू के जाते ही निर्मला जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी शालू वहां वापस आ जाती है। शालू को देखकर निर्मला सारे पैसे लेकर वहां से भाग निकलती है। शालू भी निर्मला का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद निर्मला बाजार के पास पहुँच जाती है। बचाओ, कोई बचाओ, देखो ये चोरनी मुझसे मेरे पैसे छीन रही है, बचाओ। नहीं नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, ये पैसे मेरे हैं। अरे बाप रे, देखो तो ये लड़की खुलेआम मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम ही बताओ, भीख मांगने वाली इस लड़की के पास भला इतने सारे पैसे कहाँ आ जाएंगे। हाँ बहन, तुम बात तो सही कह रही हो। क्यों रे चोरनी, तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है। चलो सब लोग इसकी पिटाई करो। उसके बाद सभी औरतें मिलकर शालू की खूब पिटाई करती हैं। फिर मार खाने के बाद शालू रोती हुई वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात शालू कचरे के ढेर से प्लास्टिक की बोतल चुन रही थी कि तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शालू देखती है कि निर्मला एक छोटे बच्चे को लेकर भाग रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग निर्मला का पीछा कर रहे थे। पकड़ो, पकड़ो उस औरत को, पकड़ो, वो बच्चा चुरा कर भाग रही है। ये देखकर शालू को निर्मला पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक पत्थर उठाकर निर्मला की ओर फेंक देती है। पत्थर के लगते ही निर्मला जमीन पर गिर जाती है और ये देख शालू दौड़कर उस बच्चे को निर्मला से छीन लेती है। तभी वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शाबाश बेटी, आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली, वरना ये डायन मेरे बच्चे को जान से मार देती। ये काला जादू करने वाली एक दुष्ट औरत है। ये औरत बहुत बुरी है, कुछ दिनों पहले इसने मेरे सारे पैसे छीन लिए थे, इसे कड़ी सजा दो। उसके बाद सभी लोग निर्मला को एक पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। देखते ही देखते निर्मला बेहोश हो जाती है। फिर वो सभी लोग निर्मला को पास की नदी में फेंक देते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक शाम शालू फुटपाथ पर बैठकर खाना खा रही थी कि तभी
अचानक उसके सामने निर्मला आ जाती है। निर्मला डरावनी दिख रही थी। अरे तुम्हें तो लोगों ने जान से मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे बच गई? मुझे एक बुरी जादूगरनी ने बचा लिया था। उस जादूगरनी से शैतानी जादू की विद्या सीख कर मैं एक खतरनाक जादूगरनी बन गई हूँ। उस दिन तेरी वजह से मेरी खूब पिटाई हुई थी, इसलिए मैं तुझे सजा देने आई हूँ। इतना कहकर निर्मला शालू को एक बैंगन के रूप में बदल कर वहाँ से चली जाती है। बैंगन बनी शालू जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। इस तरह कुछ दिन भी बीत जाते हैं। एक दिन अचानक एक परी की नजर शालू पर पड़ती है। अरे ये सब क्या है? इस लड़की को बैंगन किसने बना दिया? शालू परी को निर्मला के बारे में सब बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगी, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। फिर परी अपने कुछ सहेलियों को बुलाकर एक अर्थी तैयार कर लेती है। अब हम तुम्हें परी देश के जादुई शमशान में जाकर जलाएंगे। उसके बाद बहुत जल्द तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। फिर वो सारी परियां बैंगन को ले जाकर परी देश के जादुई शमशान में जला देती हैं। उसके बाद वो परियां सारी राख इकट्ठा करके उसे जादुई झरने के पास में डाल देती हैं, और देखते ही देखते झरने के पानी से शालू बाहर निकल आती है। मुझे नया जीवन देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब शैतान औरत को हमसे कोई नहीं बचा सकता। चलो सहेलियों, आज उसे खत्म कर देते हैं। फिर सभी परियां मिलकर निर्मला के घर पर हमला कर देती हैं। निर्मला अपने काले जादू से परियों का सामना करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार सारी परियां मिलकर उसे जान से मार देती हैं। हमने इस दुष्ट औरत को सजा दे दी, लेकिन अब तुम पृथ्वी पर नहीं रहोगी। तुम हमारे साथ चलो, परी देश में तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम कर देंगे, और साथ ही वहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन भी करवा देंगे। ये सुनकर शालू खुशी से उछल पड़ती है। फिर उस दिन से शालू की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, और वो अपनी पढ़ाई करते हुए परी देश में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।